नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ट्रांजिट के ऊपर। कोरोना काल में ये जो ट्रांजिट होने वाला है ये हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है या काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वीनस के ट्रांजिट के बारे में। शुक्र का जो ये ट्रांजिट होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देने वाला है। शुक्र का ट्रांजिट कर्क राशि में होने वाला है और शुक्र कर्क राशि में जब ट्रांजिट करेंगे तो डेफिनेटली पूरे तरह से ग्लोबल वर्ल्ड पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट यहाँ पर आने वाला है। बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। शुक्र का ये ट्रांजिट अपने आप में एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट रहेगा और शुक्र कहीं ना कहीं अपने लेवल पर चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो दो चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, हमें जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। देखिए शुक्र क्या है, शुक्र लग्जरी का कारक है, शुक्र भौतिक सुखों का कारक है, शुक्र हैप्पीनेस का कारक है, शुक्र मीडिया का कारक है, शुक्र एंटरटेनमेंट का कारक है, शुक्र काफ़ी सारी चीज़ों को अपने साथ लेके चलने वाला प्लैनेट है। यहाँ पर जब हम वीनस की बात करते हैं तो वीनस इज़ गोइंग इनटू द कैंसर साइन। अब और वीनस किसका लॉर्ड है तो वीनस वृषभ और तुला का लॉर्ड, टॉरस और आपका लिब्रा का लॉर्ड है और कैंसर साइन में जा रहा है। कैंसर का लॉर्ड कौन हो गया यहाँ पर? कैंसर का लॉर्ड हो गया यहाँ पर मून। जब वीनस यहाँ पर ट्रांजिट करेगा दोस्तों तो वीनस बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पर देने वाला है। यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले कि कब ट्रांजिट होने वाला है तो ये ट्रांजिट होने वाला है 22 जून 2021 को दोपहर को 2:07 पर वीनस कैंसर में ट्रांजिट करेगा और 17 जुलाई 2021 तक वीनस यहीं पर रहने वाला है। अब ये बात तो कंफर्म हो गई दोस्तों कि 22 जून से लेकर 17 जुलाई तक कोरोना काल में आपकी बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। शुक्र यहाँ पर आपको फ़ायदा देने वाला है और बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट यहाँ पर नहीं देगा। शुक्र देखिए एक ऐसा कारक है दोस्तों जो मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। शुक्र दवाई में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, मेडिसिन वैक्सीन में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, शुक्र रिकवरी में बहुत ज़्यादा मदद करता है और शुक्र कहीं ना कहीं हमेशा अच्छा रिजल्ट देने की यहाँ पर कोशिश करता है। अगर आप सभी ने नोटिस किया होगा कि शुक्र का ट्रांजिट जब मरकरी में हो रहा था, बुध में हो रहा था, तब मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि यहाँ पर नई वैक्सीन आने के चांसेस बन जाएंगे या फिर वैक्सीन के लिए और भी ज़्यादा प्रगति होने शुरू हो जाएगी, बहुत अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वैसा ही हुआ, कोरोना के केसेस कम हो गए, वैक्सीन की न्यूज़ भी आई थी एक और रिकवरी भी बहुत तेज़ी से होने लग गई थी। इट मीन्स कि शुक्र ने बहुत ज़्यादा मदद कर दी। एक तरफ जहाँ बहुत सारे प्लैनेट कोरोना को बढ़ाने में, ख़राब करने में मदद कर रहे हैं, वहाँ पर शुक्र हमेशा कोरोना से बचाव में हमारी मदद कर रहा है। और ये बात मैंने बहुत पहले भी कही थी, लास्ट ईयर भी कही थी और आज भी कह रहा हूँ। स्टेटमेंट वही है, बार बार चेंजेस नहीं है स्टेटमेंट में। तो इसीलिए दोस्तों शुक्र जो है वो आप सभी की मदद करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल है और शुक्र का फ़ायदा हम सभी को उठाना चाहिए और शुक्र के फ़ायदे से हम सभी अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि वीनस के ट्रांजिट का वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखिए वीनस का ये जो ट्रांजिट होने वाला है इसका इंडिया में और इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। खासकर वो सभी इंडस्ट्रीज़ जो वीनस से कनेक्टेड हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है, कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, उसके चांसेस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। तो 22 जून से लेकर 17 जुलाई तक आप सभी के पास रिकवरी का समय है, आप सभी के पास कोरोना को भगाने का समय है, आप सभी के पास चीज़ों को अच्छा करने का समय है। 22 जून से लेकर 17 जुलाई तक के बीच में जो जो अच्छी चीज़ें आप करना चाहते हैं आप कर डालिए, आपका सारा काम यहाँ पर होता हुआ नज़र आएगा। कोरोना काल में ये बहुत अच्छा समय आपको यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए कम्युनिकेशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, नए बिजनेसेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। समय में आप नई चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, आप नए बिजनेस की डील करना चाहते हैं या बिजनेस में कुछ एक्सपैंड करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम टू डू समथिंग। आप जाइए और अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करिए। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपकी अपनी कुंडली में वीनस की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, ये बात का ध्यान रखिएगा, तभी ये ट्रांजिट का रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और उसके पीछे कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेशन के आधार पर ही पता लगाया जा सकता है कि ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। अगर आप सभी कोई लग्जरी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, अगर आप सभी ऑटोमोबाइल में कुछ खरीदना चाहते हैं, लैपटॉप, कार, मोबाइल, हाउस, एनीथिंग यू वांट टू परचेज और एनीथिंग यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, आप कर सकते हैं। यह वीनस का ट्रांजिट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला है।
देश और दुनिया में अब इकोनॉमी को लेके बड़े लेवल पे चर्चा शुरू हो जाएगी और रिकवरी की तरफ हम बढ़ने लग जाएंगे। मतलब कि इकोनॉमी हम अब अच्छे लेवल पे चलने लग जाएंगे, मतलब इकोनॉमी में अब हम अच्छे लेवल पे ग्रो करने लग जाएंगे, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देती हैं। एक शुरुआत हो जाएगी, वो कहते हैं ना कंसर्न आ जाएगा दिमाग में कि हाँ यार इसके बारे में कुछ करना है, नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू डू समथिंग, इसके बारे में हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें करनी है, हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेने हैं, ये सोच हमारे मन में आने लग जाएगी और डेफिनेटली ये सोच हमारे मन में कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पर डेवलप होने लग जाएगी। वो सभी लोग जो फॉरेन ट्रेड पे काम करते हैं उनके लिए तो चांदी चांदी है साहब, बहुत अच्छा समय है फॉरेन ट्रेड वालों के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फायदा मिलने वाला है। इवन दो अगर आपकी कंपनी में किसी भी तरह से फॉरेन लिंक है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहेंगी, ऐसे चांसेस बनते हैं, और क्योंकि करेंसी ऊपर रहेगी और यहाँ पर इस तरह से समझिएगा कि चीज़ें अच्छी होंगी, इकोनॉमी की बात चलेगी, तो इसीलिए बेरोजगारी की रेट जो होगी वो भी डाउन होगी और बेरोजगारी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर डिस्कशन किया जाएगा, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। नाउ दिस इज़ अ टाइम दैट वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम कोरोना टू अदर थिंग, ये बात मैंने पहले भी कही थी कि नाउ द टाइम इज गोइंग ऑन दैट वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम द कोरोना टू अदर थिंग्स। अब हमें कोरोना के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, अब हमें दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, अब हमें दूसरी चीज़ों के बारे में कंसर्न होना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पर इंडिया दूसरे देशों के साथ बड़ी बड़ी डील करने की कोशिश करेगा और इंडिया कहीं ना कहीं अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करेगा और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम एक बड़े लेवल पे लिया जाएगा, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर बनते हैं। ये ट्रांजिट जो है ये कुछ अचीवमेंट्स भी दिला सकता है इंडिया को, इंडियन लीडर्स को, या फिर इंडिया में किसी व्यक्ति को बड़े लेवल पे कोई अचीवमेंट दिला सकता है, कोई इंस्पिरेशन दिला सकता है, ऐसे चांसेस भी यहाँ पर बनते हैं, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, यहाँ पर किसी फेमस पर्सनैलिटी के साथ कोई बुरी घटना भी घट सकती है, किसी फेमस पर्सनैलिटी के साथ कोई बुरा हादसा भी हो सकता है, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर थोड़े से दिखाई देते हैं। हालांकि रिकवरी के चांसेस रहेंगे एज पर द ट्रांजिट, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ रिकवरी के चांसेस रहेंगे, पर्सनल हॉरोस्कोप देख के मैं नहीं कह रहा कि कौन होगा, कैसा होगा और उनके साथ क्या क्या हादसा होगा, ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता। एक और चीज़ यहाँ पर दोस्तों, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर देश की सीमाओं पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जी हाँ, कुछ देश यहाँ पर देश की सीमाओं पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बट मोर ओवर जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है वो पानी के अंदर दिख रही है। पानी के अंदर कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानियाँ हो सकती है, पानी के अंदर कोई सीमाएं लांघी जा सकती हैं, जैसे कि आपकी पानी की भी जो सीमाएं होती है समुद्री सीमाओं को भी आघात पहुंच सकता है और यहां पर नेवी का रोल बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं, ये चांसेस बिल्कुल आपको दिखाई देंगे और ऐसी न्यूज़ भी आने लग जाएगी कि नेवी इज़ डूइंग समथिंग, नेवी इज़ प्रिपेयर फॉर समथिंग, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो पानी से रिलेटेड चीज़ें होने वाली हैं। इसके अलावा नेचर में भी पानी बरसने वाला है साहब, पानी बहुत बरसेगा और मानसून आने ही वाला है और यह ऑलरेडी आ ही चुका है। मुंबई में पानी बरस रहा है, राजस्थान में बहुत भयंकर बारिश हुई है और बहुत अच्छा वेदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर देखा जाए तो वीनस का जो ये ट्रांजिट है ये और भी ज़्यादा चीज़ें देने वाला है। ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूँ, सुनामी के संकेत दिखाई दे रहे हैं, पानी से रिलेटेड आपदाएं दिखाई दे रही हैं और चाइना की तरफ बाढ़ के भी संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चाइना, नेपाल, भूटान, यहाँ पर इस जोन में अगर देखा जाए तो पानी ज़्यादा होगा और बाढ़ के संकेत दिखाई देंगे, कुछ हल्के फुल्के भूकंप के झटके भी आएंगे और उसी में आप देखिएगा चीज़ें इस तरह से देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये चीज़ें जो है हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये समय जो है हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। ये समय में आप सभी को फ़ायदा मिलने वाला है और डेफिनेटली ये शुक्र का ट्रांजिट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। इसे पर्सनल राशि के अकॉर्डिंग बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शुक्र का ये जो ट्रांजिट है ये सभी के लिए बड़े लेवल पर अच्छा जा रहा है। तो इसीलिए सभी से कहूँगा अपना अपना काम करने की कोशिश करें और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें और इस ट्रांजिट का पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। 22 जून से लेके 17 जुलाई 22nd ऑफ जून टू 17th ऑफ जुलाई तक के बीच में समय आपके फेवर का है, आप इस समय का पूरा फ़ायदा उठाइए और जो चीज़ें आप करना चाहते हैं वो बिल्कुल करने की कोशिश करिए, आपको फ़ायदा यहाँ पर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।